नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच अभी जो युद्ध चल रहा है, जिसको करीब 2.5 साल हो गए हैं, उसको अभी और ज़्यादा धार दी जा रही है, वो और भी ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ाया जा रहा है और इसमें एक दूसरे के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से हमले किए जा रहे हैं। अभी दोस्तों उसमें कुछ ऐसा हुआ है जिससे रसिया की सोच लीजिए एक तरह से जो विश्व में उसके डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत बड़ी इमेज बनी हुई थी, उस पर बहुत बड़ा डेंट लग गया है, बहुत ही ज़्यादा उस छवि को नुकसान पहुंच गया है। आइए समझते हैं दोस्तों, ऐसा आखिर क्या हो गया है जिससे रूस को इतना ज़्यादा नुकसान हो गया और यूक्रेन में वाकई उसने दिखाया है कि कुछ तो है खास, उसके सैनिकों ने वो करके दिखाया। दोस्तों, जैसे कि कहते हैं कि कोई भी युद्ध हो वो हथियारों से तो लड़ा जाता है, लेकिन हथियार आपके सिर्फ 40-45% ही अपना इम्पैक्ट दे पाते हैं, बाकी जो ये करीब 60% के आसपास आदमी अपने जज्बे से लड़ता है, जिगरे से लड़ता है, यानी कि जो सैनिक होता है उसके अंदर उसका मोरल कितना हाई है वो उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे युद्ध को लड़ेंगे। दोस्तों, यूक्रेन के साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, 2.5 साल से ऐसा रसिया को रेजिस्ट कर रखा है, रसिया को परेशान कर रखा है। जो रसिया सोच रहा था कि यूक्रेन को बहुत ही जल्दी हम ख़त्म कर देंगे, यहाँ तक कि मुझे याद है जब स्टार्टिंग बिल्कुल हुई थी ये इस युद्ध की, तो ये बोला जा रहा था ये ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 दिन युद्ध चलेगा और रशिया पूरी तरह से कीव पर कब्जा कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, अभी आपको ये पता होना चाहिए कि यूक्रेन ने रूस का जो S-500 डिफेंस सिस्टम है उसको भी तबाह कर दिया है। दरअसल अमेरिका ने अपनी एक मिसाइल दी थी, वो भी वो मिसाइल जो कम से कम 30 से 40 साल पुरानी मिसाइल है, अमेरिका ने अपना स्टॉक एक तरह से ख़त्म किया है, तो और अपना स्टॉक ख़त्म करने के साथ ही साथ उस पर जो मेंटेनेंस का खर्चा होने वाला था वो भी बचा लिया है और यूक्रेन को वो गिफ्ट में दे दिया। यूक्रेन को वो जो मिला और उससे उसने S-500 को नुकसान पहुँचा दिया, नष्ट कर दिया। इस मिसाइल का नाम है ATACMS। दोस्तों, ये एक ऐसी मिसाइल है जो कोई बहुत ही ज़्यादा मजबूत, कोई मतलब नेक्स्ट लेवल की नहीं थी, ये एक बहुत ही सिंपल और नॉर्मल सी मिसाइल है और उसने S-500 को जाकर डिस्ट्रॉय कर दिया। दोस्तों, ये समझ लीजिए कि S-400 का डिस्ट्रॉय होने की न्यूज़ तो पहले भी मिल चुकी है, जो रसिया ने एक्सेप्ट भी कर ली है। यूक्रेन के जो सैनिक हैं इन्होंने कम से कम 10 से 12 S-400 डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय करे हैं रशिया के, लेकिन इस बार तो S-500 को डिस्ट्रॉय कर दिया है। S-500 जो कि बोला जाता है एक नेक्स्ट लेवल का डिफेंस सिस्टम है, S-400 ही अपने आप में काफ़ी अच्छा है और ये X-500 है, यानी कि S-400 से बहुत ज़्यादा एडवांस S-500 का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ 500 किलोमीटर तक की मिसाइल से अटैक होने वाला हो तो उसको रोक लेगा, ये उससे भी ज़्यादा अच्छा है, उससे बहुत अच्छे रडार सिस्टम लगे हुए हैं इसमें और इसको भी सोचिए डिस्ट्रॉय कर दिया है यूक्रेन के सैनिकों ने। ये रशिया के लिए कितनी ज़्यादा बुरी खबर है, हालांकि रशिया ने अभी इसको पुष्टि नहीं करी इस न्यूज की, ये यूक्रेन की तरफ से ही ये न्यूज आ रही है, लेकिन दोस्तों अगर ये चीज़ सही है बिल्कुल, जो कि आगे जाके पता लगेगा कि ये सही है या नहीं, तो ये रूस के लिए बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है और साथ ही साथ उन देशों के लिए सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ है जिन्होंने S-400 ख़रीदा है, जिसमें कि इंडिया है, चाइना है और तुर्की है। S-400 जो रखते हैं, सोचिए जब S-500 का ये हाल हो रखा है तो S-400 का क्या हाल हो जाएगा। इससे जो भारत के दुश्मन है जैसे कि पाकिस्तान, वो बहुत ज़्यादा खुश होगा, चीन तो उतना ज़्यादा खुश नहीं होगा क्योंकि चीन ने खुद S-400 खरीद रखा है, तो इंडिया और चीन दोनों के पास S-400 है, लेकिन दोस्तों समस्या उस जगह पर है जैसे कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खुश होगा, वो हमारे लिए थ्रेट बन जाएगा। अब दोस्तों एक चीज़ और, ये रूस के लिए कितना ज़्यादा ख़तरनाक है, दरअसल ये रूस के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक खबर हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि अमेरिका ने अपना एक छोटा सा मिसाइल दे दिया जो कम से कम 30-40 साल पुराना मिसाइल है, उससे जब S-500 को मार दिया है तो अमेरिका के पास तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल के डिफेंस सिस्टम भी हैं और फाइटर जेट्स भी हैं और अच्छी मिसाइलें भी हैं, तो वो अगर युद्ध कभी होता है रूस के साथ तो वो उसका सीधा सीधा फ़ायदा अमेरिका उठाएगा। और साथ ही साथ रूस के लिए इसलिए भी बुरी खबर है क्योंकि रूस का ये जो मार्केट है डिफेंस का, वो भी इससे ख़राब हो जाएगा, क्योंकि रूस के हथियारों को काफ़ी अच्छा माना जाता है और उसका जब इतना बड़ा हथियार वही अगर डिफेंस नहीं कर पाएगा
तो ये दूसरे देश खरीदेंगे कैसे रूस से, ये एक सबसे बड़ी समस्या है कि उसकी मार्केट ख़राब हो जाएगी। सोचिए जिन्होंने S-400 खरीद रखा है वो कंट्री अब सोच रहे होंगे कि हमने इसको क्यों ख़रीदा, क्योंकि S-500 जब डिस्ट्रॉय हो गया तो S-400 को डिस्ट्रॉय होने में कितना टाइम लगेगा। दोस्तों अभी ये आपको बता दें कि ये कोई सस्ता सिस्टम नहीं है, ये डिफेंस सिस्टम S-400 की अगर बात करें तो ये करीब करीब 5,000 करोड़ रुपये का पड़ता है एक। भारत ने जो ख़रीदे हैं बड़े महंगे हैं, सोचिए बहुत ज़्यादा बजट लगता है इसमें, डिफेंस सेक्टर का जो अलॉट किया जाता है बजट वो बहुत ज़्यादा लगता है इन मिसाइलों को ख़रीदने के लिए, इन डिफेंस सिस्टम को ख़रीदने के लिए। रसिया ने इससे खूब पैसे कमाए हैं, लेकिन ये अब जो मार्केट ख़राब हो जाएगी ये बड़ी समस्या है रसिया के लिए, साथ ही साथ रसिया के खुद डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा, क्योंकि रसिया के ख़िलाफ़ तो अमेरिका पूरी तरह से लगा ही हुआ है, यूरोप भी पूरी तरह से लगा हुआ है, और उसके बगल में ही उसका पड़ोसी ही यूक्रेन उसके साथ है, ऐसा परेशानी पैदा कर रहा है। तो दोस्तों इस पर कुछ और अपडेट आता है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।